वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर था हमारा जनरेशंस के बारे में, और आज हमारा 11th लेक्चर है अबाउट मोडेम फार्मेसी टेक्नीशियन क्लास सेकेंड ईयर। मोडेम कंप्यूटर में क्या परफॉर्म करती है, क्या इसका फंक्शन है, आज हम ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। मोडेम एक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है एनालॉग सिग्नल्स में। मोडेम कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ की जाती है आपस में, थ्रू नेटवर्क्स जो कंप्यूटर्स जो इनेबल हुए होते हैं उनके लिए। तो आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अ मोडेम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डिजिटल इंफॉर्मेशन, या डिजिटल सिग्नल्स भी इधर कह सकते हैं, इन टू एनालॉग कैरियर सिग्नल्स, जो एनालॉग के सिग्नल्स होते हैं उनमें कन्वर्ट करती है, एंड वॉइस वर्सा। कंप्यूटर यूज मोडेम्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर अ नेटवर्क। कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू मोडेम, किस लिए? कम्युनिकेशन के लिए। मीन्स कि अगर आपकी दो बिल्डिंग लगी हुई हैं, दो बिल्डिंग्स में कंप्यूटर्स जो है वो नेटवर्क इनेबल हुआ हुआ है, तो दरमियान में एक मोडेम भी यूज़ की गई है जो आपस में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर। द वर्ड मोडेम इज डराइव्ड फ्रॉम अ मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर दैट डिफाइंस द फंक्शन इट परफॉर्म। मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर उसे कहते हैं जो ये परफॉर्म करता है फंक्शन। क्यों? क्योंकि डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ सिग्नल्स कैरिंग द इंफॉर्मेशन, कैरिंग द इंफॉर्मेशन। मॉड्यूलेशन एक वो प्रोसेस है जो चेंज करता है सिग्नल्स की इंफॉर्मेशन को। मीन्स कि अगर वो डिजिटल में है तो उसे वो किस में चेंज कर देते हैं? एनालॉग में। द डी मॉड्यूलेशन प्रोसेस डज द टास्क ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिग्नल दैट आर मॉड्यूलेटेड। और डी मॉड्यूलेशन प्रोसेस वो होता है जो एक्सट्रैक्ट करता है उन सिग्नल से इंफॉर्मेशन जो हमने पहले डी मॉड्यूलेट से पहले मॉड्यूलेशन उनके ऊपर की होती है। मतलब जो हमारे पास डाटा आया होता है वो मॉड्यूलेट होता है, और जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं उन सिग्नल से इंफॉर्मेशन, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डी मॉड्यूलेशन। आगे हम आ जाते हैं वर्किंग ऑफ डायल अप मॉडेम। डायल अप मॉडेम की क्या वर्किंग है वो देखेंगे। कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि कंप्यूटर जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन वो डिजिटल सिग्नल्स में ही करता है। हाउएवर द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर द टेलीफोन लाइंस इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल। लेकिन इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होती है थ्रू टेलीफोन लाइंस वो किस फॉर्म में होती है? एनालॉग सिग्नल्स में। द मोडेम रिसीव्स डेटा। मोडेम क्या करते हैं? रिसीव करता है डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म एंड कन्वर्ट इट इनटू एनालॉग फॉर्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। और फिर आगे क्या होता है? इट सेंड्स एनालॉग सिग्नल टू द अदर कंप्यूटर यूजिंग टेलीफोन लाइन। जो भी दूसरा कंप्यूटर टेलीफोन लाइन यूज कर रहा है वो उसे क्या करते हैं? एनालॉग सिग्नल भेजता है, उसे मिलता है। द मोडेम ऑन द रिसीविंग कंप्यूटर रिसीव्स डाटा इन एनालॉग फॉर्म। और कंप्यूटर जो है वो रिसीव करता है किस फॉर्म में डाटा को? एनालॉग फॉर्म में। उसके बाद फिर क्या होता है? इट कन्वर्ट द एनालॉग डाटा बैक इनटू द डिजिटल फॉर्म। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिजिटल डीमॉड्यूलेशन। मीन्स कि आपके पास एक कंप्यूटर था और आपने दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड किया। कंप्यूटर के पास था डिजिटल फॉर्म में डाटा जो आप सेंड करना चाह रहे हैं, वो कन्वर्ट हुआ किस में? एनालॉग में। तो इसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। फिर उसके बाद रिसीविंग एंड पे जिस कंप्यूटर को आपने भेजा था उसके पास डाटा जो रिसीव हुआ वो
वो एनालॉग फॉर्म में था, एनालॉग फॉर्म में डाटा था, उसको जो कन्वर्ट किया एनालॉग टू डिजिटल, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। फीचर ऑफ मॉडेम के बारे में बात करते हैं। एरर कंट्रोल मॉडेम आर यूज यूजेस डिफरेंट मेथड टू कंट्रोल एरर फॉर ट्रांसमिटेड डाटा। इसमें जो है एरर कंट्रोल हमारा हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर आ रहा है, रिसीविंग एंड पे एरर आ रहा है या सेंडिंग एरर, सेंडिंग एंड के ऊपर एरर आ रहा है। तो इसमें एरर हैंडलिंग जो है वो इजी है एज कंपेयर टू डिफरेंट मेथड्स। इसमें स्पीड का एक फीचर है, स्पीड इज द रेट एट विच द मोडेम कैन सेंड डाटा इन बीपीएस। टिपिकली मोडेम स्पीड्स आर 300 बिट पर सेकेंड, इसको हम कहते हैं बीपीएस को 250 kbps। ये 300 बीपीएस मतलब बिट पर सेकेंड, 250 kbps पर सेकेंड तक ये जाते हैं, इसकी ये स्पीड है। सेल्फ टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। सेल्फ टेस्टिंग में मोडेम कैन टेस्ट द डिजिटल सिग्नल्स कनेक्शन विद कंप्यूटर। वो पहले चेक करता है कि भाईजान क्या मेरा डिजिटल सिग्नल कनेक्शन ठीक भी है या नहीं, एंड इट कैन ऑल्सो टेस्ट एनालॉग कनेक्शन टू रिमोट मोडेम। हमें पहले टेस्टिंग फेज में हम पहले चेक कर लेते हैं आइदर कि हमारा डाटा सेंड और रिसीव हो रहा है या हमारा डाटा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट हो भी रहा है या नहीं, उसके बाद फिर एक्चुअल हम डाटा जो है वो सेंड करते हैं। वॉइस ओवर डाटा मोडेम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ वॉइस कन्वर्जन्स व्हाइल डाटा इज ट्रांसमिटेड, व्हाइल डाटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड। जब इसमें ये भी है कि वॉइस कन्वर्सेशन भी हम जो है वो इंक्लूड हो सकती है जब हम डाटा ट्रांसमिटेड कर रहे हो। बोथ द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन मोडेम शुड हैव दिस फीचर। दोनों के अंदर ये फीचर है वॉइस ओवर का कि जब भी हम डाटा सेंड कर रहे होंगे या रिसीव कर रहे होंगे तो हम इस तरह भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडेम्स। ये मॉडर्न्स लिखा हुआ है तो इसको मोडेम्स कर दीजिएगा। मोडेम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया सच एज द प्लेसेस वेयर दे आर इंस्टॉल्ड, द मैनर इन विच दे एक्सेप्टेड एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन एंड द वे दे ट्रांसमिटेड सिग्नल्स। बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया मोडेम आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। वो कहते हैं कि टाइप्स ऑफ मोडेम जो है वो वेरी करते हैं कुछ क्राइटेरिया के ऊपर कि वो कहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं और वो किस नोयत का, किस टाइप का डाटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं, और इन क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो डिफरेंट मोडेम्स इंस्टॉल की जाती हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंटरनल मोडेम, एक्सटर्नल मोडेम और फिर वायरलेस मोडेम। इंटरनल मोडेम आर इन द फॉर्म ऑफ सर्किट बोर्ड फिटेड इन एक्सपेंशन स्लॉट ऑफ द मदर बोर्ड। ये सर्किट बोर्ड की तरह होती हैं और फिटेड होती हैं हमारे एक्सेप्शन स्लॉट्स जो मदर बोर्ड सीपीयू के अंदर होता है उसके थ्रू। एन इंटरनल मोडेम इज डिवाइस इंस्टॉल्ड इनसाइड अ डेस्कटॉप और अ लैपटॉप। इंटरनल मतलब लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल होती है, अलाउइंग द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क विद अदर कनेक्टेड कंप्यूटर्स। इंटरनल मोडेम होती है और ये अलाउ करती है दूसरे कंप्यूटर्स के साथ हमें ओवर अ नेटवर्क जो है वो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल कमांड में क्या होता है कि ये इनक्लोज नहीं होती, ये बल्कि अलग से इंस्टॉल की जाती है, सिस्टम यूनिट के साथ नहीं होती। आर इनक्लोज इन अ सेपरेट केस, एक अलग केस में होती है, एंड नॉट इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ये सिस्टम यूनिट या मदरबोर्ड के साथ नहीं होती। द मोडेम इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एंड द टेलीफोन लाइंस बाय द मीन ऑफ टू सेपरेट केबल्स। ये दो सेपरेट केबल्स के थ्रू जो है कनेक्ट होती है। एक्सटर्नल मोडेम इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यूजिंग सीरियल केबल टू COM1 और COM2। ये दो पोर्ट्स होती हैं हमारे पास, इनके थ्रू ये कम्युनिकेट करता है। फर्स्ट केबल में मतलब टू सेपरेट केबल्स हमारे पास मौजूद होती हैं और इन स्लॉट्स में हम पोर्ट्स में
इनेबल करके इसके साथ एक्सटर्नल मोडेम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया डिफरेंट कंप्यूटर्स। फिर आगे आ जाते हैं वायरलेस मोडेम के बारे में। वायरलेस नाम से हमें पता चल रहा है इसमें कोई केबल या कोई इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी, इंस्टेड ऑफ इंस्टॉल इन मदरबोर्ड और या टू केबल्स के साथ कोई इंस्टॉलेशन नहीं होगी, वायरलेस होगी, वायर के बगैर होगी। वायरलेस मोडेम ट्रांसमिट द डाटा सिग्नल थ्रू द एयर इंस्टेड ऑफ बाय यूजिंग अ केबल, वही बात इसने की है। दे समटाइम्स आर कॉल्ड द रेडियो फ्रीक्वेंसी मोडेम, इन्हें हम कभी कभार हम रेडियो फ्रीक्वेंसी भी, क्यों, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू जो सिग्नल्स हैं वो और जो हमारा ट्रांसमिशन है डाटा जो है वो थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू सेंड और ट्रांसमिट मतलब होता है, रिसीव भी इसी फॉर्म में होता है। दिस टाइप ऑफ मोडेम इज डिजाइंड टू वर्क विद सेलुलर टेक्नोलॉजी, ये ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी जो एडॉप्ट की गई वो सेलुलर मीन्स के सेल्स जितने भी ये आपके सिम्स हैं जितने भी आपके नेटवर्क्स हैं इन्होंने अडॉप्ट किए हैं द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क और जो थोड़े से लोकल एरिया नेटवर्क हैं उन्होंने ये मेथड यूज़ किया। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और इसको प्रिपेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो रेज कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे एट होम, फी अमान अल्लाह।